धक्का दियो लगाई रीति सुनियो ध्यान लगाई पहाड़ी से नीचे को दौत भक्ति आई मेरी रात की संतुक नीचे गिर गयो है और फूट गयो शीश लपंगा भोर मर गयो अब तुम मेरे हिललता समझाए सुनो मेरे जैसे ही संतोष सुहासिनी के प्यार में बेखबर हुआ है सीने से लगाया वो तो बेखबर हो जाता है सुध बुध भूल गया लेकिन सुहासिनी ने अपना काम तमाम कर दिया। उस पहाड़ी से संतोष नाम के चोर को नीचे ढकेल दिया और जैसे ही संतोष नीचे आया नीचे गिरते गिरते हड्डी पसली टूट गई। प्रमाण तो ऐसा मिलता है मेरे भाई बहनों वहीं पर संतुक नाम के चोर का देहांत हो गया। आज जब संतुक का देहांत हो गया अब तो सुहासिनी सोचने लगी है अब मैं क्या करूं कहां जाऊं क्योंकि पिताजी ने भी कहा था यदि चोर के साथ में शादी करेगी तो मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है पिता के घर भी नहीं जा सकती हूं अब मैं क्या करूं। मेरे भाई बहनों अब तो उसके पास में कोई चारा नहीं रहा सर के बाल नोचने लगी है रोते रोते उसके नेत्र सूज जाते हैं और जब सर के बाल नोचने लगी है सुहासिनी मेरे भाई बहनों जब सुहासिनी के पुनः से दोबारा से बाल उगे तो गोल गोल कुंडल के आकार के उसके बाल उगे तभी से उसका नाम कुंडल के सा पड़ा है। और कुछ समय पहले वो इधर उधर भटकती रही जैन धर्म की उसने जिनेश्वर महावीर से जाकर के दीक्षा ली लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली और अंत में वो बुद्ध की शरण में आई और भगवान बुद्ध की शरण में आकर के बड़ी ज्ञानवान बनी महान मेधावी भी कुनी के नाम से विख्यात तो हुई। इस प्रकार से मेरे भाई बहनों आप लोगों के समक्ष में ये छोटा सा प्रसंग सभी लोगों के बीच में मैंने श्रवण कराया है और आप लोगों के समक्ष में हमारे गुरुदेव जी परम सिद्धि और मीर बोध जी आ चुके हैं तो सभी लोग एक गीत बोलेंगे।